तो ये है पोको का लेटेस्ट डिवाइस X6 Pro। फाइनली ये फ़ोन मेरे पास आ चुका है और ये फ़ोन यार काफ़ी ज़्यादा हाइप में है, क्योंकि 25,000 के बजट में इस फ़ोन के अंदर BGMI में 90 FPS की सेटिंग्स अनलॉक आपको मिल जाती है। बाकी मेरे पास पोको का जो X6 डिवाइस है ये भी आ चुका है, इसका गेमिंग टेस्ट जल्दी चैनल पर आपको कल तक मिल जाएगा। बाकी आज के इस वीडियो में इसका हम BGMI गेमिंग टेस्ट करेंगे, डिटेल में चेक करेंगे इसके अंदर गेम टर्बो मोड में, क्योंकि यहाँ पे हाइपर ओएस प्रोवाइड किया गया है जो कि लेटेस्ट अपडेट है। एंड गेम टर्बो मोड में हाइपर ओएस के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, तो सारे फीचर्स को हम डिटेल में बात करेंगे। बाकी गेमिंग के टाइम इसकी बैटरी वगैरह कितनी ड्रॉप होती है, जायरोस्कोप वगैरह कैसा काम करता है, एंड हीटिंग इश्यूज वगैरह कैसे क्या उस परफॉर्मेंस मिलती है, तो डिफरेंट मैप्स को हम BGMI के अंदर ट्राई करेंगे। एंड ऑल ओवर एक कंक्लूजन आपको बताऊंगा, क्या सही में आपको स्टेबल 90 FPS की गेमिंग ये फ़ोन करा के देता है या फिर नहीं। बाकी कुछ एंटीटू स्कोर के स्क्रीनशॉट वगैरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा का चिपसेट मिलता है, 1.3 मिलियन का बेंचमार्क स्कोर मिलता है, जो कि 25,000 के बजट में काफ़ी सही बेंचमार्क स्कोर है। एंड CPU थ्रोटल की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, ये भी सही आपको मिल जाती है। तो जस्ट आपने वीडियो को एंड तक देखना है, एंड वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर देना। तो भाई अभी फ़ोन के अंदर 54% बैटरी बची है, बाकी डिवाइस वाईफाई से कनेक्टेड है ताकि नेटवर्क स्पीड बेटर मिले। एंड यहाँ पे डिवाइस लेटेस्ट अपडेटेड है, गेम भी मैंने लेटेस्ट अपडेट कर लिया है। बाकी फ़ोन के अंदर ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट मिलता है, साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। एंड इसके अंदर काफ़ी सारे ब्लोटवेयर ऐप प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं, बट इन सारी एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल करके फ़ोन का एक्सपीरियंस बेटर ले सकते हैं, इसको क्लीन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर टाइमर को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड हमने स्टार्ट किया गेम प्ले 53% बैटरी पे, देखते हैं यहाँ पर बीच बीच में कितनी बैटरी परसेंटेज वगैरह ड्रॉप होती है। एंड सेटिंग्स में जाऊँ, सबसे पहले इसकी ग्राफिक सेटिंग्स को चेकआउट कर लेते हैं। ऊपर अपना X6 एंड नीचे अपना X6 Pro कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं दोनों डिवाइसेस के अंदर। इसमें स्मूथ एक्सट्रीम यानी 60 FPS, इसमें यहाँ पे 90 FPS, तो 90 FPS की गेम प्ले आप कर पाएंगे। 25,000 के बजट में काफ़ी बढ़िया डिवाइस है। यहाँ पे बैलेंस्ड HD एंड HDR में अल्ट्रा फ्रेम रेट है, जबकि अल्ट्रा HD का ऑप्शन नहीं है प्रो के अंदर, जबकि इनके अंदर HD एंड HDR में एक्सट्रीम फ्रेम रेट की सेटिंग्स मिल जाती है। एंड अल्ट्रा HD का भी ऑप्शन मिलता है X6 5G डिवाइस के अंदर, जबकि प्रो के अंदर ये लिमिटेड सेटिंग्स है, बट यहाँ पे 90 FPS अनेबल है। तो स्मूथ है 90 FPS में, मैं इसका गेम प्ले सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर X6 के अंदर काफ़ी सही ग्राफिक सेटिंग्स मिल जाती है 20,000 के बजट के अकॉर्डिंग, अगर हम कंपैरिजन करें। एंड इसके अंदर गेम मोड भी आपको प्रोवाइड किया गया है, गेमिंग करते हुए व्हाट्सएप वगैरह पे किसी के साथ चैट करनी है तो वो आप कर सकते हैं, काफ़ी सारी एप्लीकेशन का सपोर्ट आपको मिलता है। साइड बाय साइड एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। एंड सिंपली इसका साइज कंट्रोल करना है, स्लाइड अप करके इसको क्लोज करना है, एंड बूस्ट पे टैप करके FPS वगैरह भी आप नोट कर सकते हैं, जैसे 89 90 FPS के अराउंड अभी आपको शो कर रहे हैं। बाकी DNT मोड, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह लेनी है, ब्राइटनेस लॉक करना है, तो वो सारी चीज़ें, टाइमर भी आप सेट कर सकते हैं, स्टॉपवॉच वगैरह की ये सारी डिटेल है। एंड वॉइस चेंज करना चाहते हैं अपने टीममेट्स के साथ, डिफरेंट वॉइस में बात करना चाहते हैं तो कुछ वॉइस का सपोर्ट मिलता है, सिंपली इस पर टैप करके एंड सेम वॉइस में अपनी टीममेट्स के साथ बातचीत कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ मैच हम चला लेते हैं, डिफरेंट मैप्स को ट्राई करेंगे। सबसे पहले इरेंगल का गेम प्ले स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी गाइस अपना गेम प्ले स्टार्ट हो चुका है, इसके अंदर जायरोस्कोप भी मिल जाता है एंड जायरो काफ़ी सही काम कर देता है। बाकी गेम प्ले में आगे चेक करेंगे क्या कुछ परफॉर्मेंस है एंड बैटरी कितनी ड्रॉप होगी। अभी 52 पे आ चुकी है, तो 90 FPS में अनेबल है। एंड यहाँ पे 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है डिस्प्ले के अंदर, तो वो भी मैंने सेट कर दिया है। ब्राइटनेस वगैरह फुल पे सेट कर रखी है। एंड इसके अंदर परफॉर्मेंस मोड को भी मैं अनेबल कर देता हूँ, तो हाई सेटिंग्स पे सब कुछ यहाँ पर सेट है। देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ गेम प्ले आपको मिलता है। बाकी टेम्परेचर आप देख सकते हैं 25 के अराउंड है एंड रूम का टेम्परेचर है 16 के अराउंड।
तो अभी अपना इरेंगल का एक मैच कंप्लीट हो चुका है। टाइम आप देख सकते हैं 27 मिनट्स का टाइम कंप्लीट हो चुका है। डिवाइस में 44% बैटरी बची, पहले 53 थी, 9% का ड्रॉप आ चुका है। बाकी FPS आप देख सकते हैं 90 FPS के राउंड गेमिंग परफॉर्मेंस है। एंड टेम्परेचर डिस्प्ले साइड का 33 के राउंड है एंड बैक साइड का 30 के राउंड है। तो FPS वगैरह की बात करूँ तो 85 से 90-91 के बीच में ही आसपास रहता है FPS। तो FPS में अभी के लिए मुझे कोई खास इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं मिला। बाकी अभी हम TDM के कुछ मैचेस चला लेते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या उस परफॉर्मेंस मिलती है FPS वगैरह एंड बैटरी वगैरह कितनी ड्रॉप होती है। बाकी जायरो आप देख सकते हैं, जायरो में एज सच कोई डिले वगैरह नोटिस नहीं हुआ। जायरो की परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी बढ़िया लगी एंड जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी सही है। बाकी इसके अंदर देखते हैं TDM के अंदर कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। तो अभी अपना एक TDM का मैच कंप्लीट हो चुका है एंड 35 मिनट के ऊपर टाइम कंप्लीट हो चुका है। बैटरी आप देख सकते हैं 41% बैटरी बची है। मैच स्टार्ट करने से पहले 44 थी, 3% का ड्रॉप मिलता है TDM के मैच में। बाकी यहाँ पे टेम्परेचर देख सकते हैं 32 है डिस्प्ले साइड का, बैक साइड का 31 के राउंड है। एंड स्टार्टिंग में जब हमने टाइमर स्टार्ट किया था फ़ोन के अंदर 53% बैटरी से स्टार्ट किया था एंड अभी 36 मिनट के बाद 41% बैटरी बची, यानी 12% का ड्रॉप है। तो डिफरेंट मैप को अभी हम कुछ ट्राई कर लेते हैं। अभी हम लिविक के अंदर ट्राई करेंगे, देखेंगे इसके अंदर परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है, बैटरी वगैरह कितनी ड्रॉप होती है। FPS यार अभी के लिए मुझे लगभग 90 के अराउंड 80 के ऊपर ही रहता है। तो अभी अपना ये मैच भी कंप्लीट हो चुका है एंड टाइम यहाँ पे लगभग 54 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। पहले थी 53% बैटरी जब हमने स्टार्ट किया, अभी 32% है। तो 54 मिनट्स के अंदर 21% कुछ ज़्यादा ही बैटरी ड्रॉप हुई है। तो बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम तो है भाई, टेम्परेचर भी पहले ही तरह सेम है 32 डिस्प्ले का एंड बैक साइड का 31, तो ये इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है। बट यहाँ पे जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो मुझे 25,000 के बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी सही लगी। लगभग यहाँ पे 90 FPS का स्मूथ गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह आपको प्रोवाइड कर देते हैं एंड ऑल ओवर जो परफॉर्मेंस है एज सच मुझे कोई मेजर लैग वगैरह नोटिस नहीं हुआ। थोड़ा बहुत आप ना के बराबर कभी कभार यहाँ पे हल्का फुल्का लैग नोटिस हो सकता है, बट एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस है इस प्राइस सेगमेंट में। बाकी अभी गन गेम ट्राई कर लेते हैं, इसके अंदर देखते क्या उस परफॉर्मेंस मिलती है।
तो अभी अपना ये मैच भी कंप्लीट हो चुका है। पहले 32% थी, अभी 29%। तो एक गन गेम के मैच में लगभग 2 से 3% की बैटरी का ड्रॉप मिल जाता है। एंड एक घंटे के ऊपर गेम प्ले कंप्लीट हो चुका है, 53 से 29%, 24% बैटरी ड्रॉप हो चुकी है। बाकी टेम्परेचर वही डिस्प्ले साइड का 30-31 के राउंड, और बैक साइड का भी सेम है 30 के राउंड। तो यार एक घंटे एक मिनट के अप्रोक्स में 24% बैटरी, कुछ ज़्यादा ही बैटरी ड्रॉप हुई है। बाकी अगर हम ऑल ओवर कंक्लूजन की बात करें, वैसे फ़ोन में एमुलेट डिस्प्ले जो कि बैटरी कंजप्शन थोड़ा कम करती है, आईकू न्यू सैन प्रो है उसमें 8+ Gen 1 का चिपसेट है। एंड यही 5000 mAh की बैटरी, इसके अंदर भी 5000 mAh की बैटरी है। एंड उसके अंदर भी 90 FPS की सेटिंग मिलती है, उसमें इतनी बैटरी नहीं जाती, 17 से 18% के आसपास ड्रॉप मिलता है, इसमें 24%। तो पोको की तरफ से, शाओमी की तरफ से इसको सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ डेफिनेटली फिक्स करने की नीड है। अगर आप पोको X6 प्रो ये डिवाइस परचेज करते हैं तो यहाँ पे बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम है, जो कि मैंने अभी टेस्ट कर लिया। एंड कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, वहाँ भी थोड़ी सी जल्दी बैटरी ड्रॉप होती है। बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी है, जायरोस्कोप भी काफ़ी सही काम कर देता है, हीटिंग इश्यूज भी एज सच मुझे कोई नोटिस नहीं हुए। अभी वैसे विंटर सीजन का टाइम है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इनकी और वीडियोस देखनी है, पोको X6 के भी BGMI टेस्ट वगैरह देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। सो डेट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।